अबे अंधा है क्या? हाँ साहब, अंधा हूँ साहब, माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं करा। भाई तू यहाँ इस हालत में? कौन कौन? रोहित भैया, आप हो क्या? भैया आपसे बिछड़े हुए 3 साल हो गए, मुझे लगा मैं इस जन्म में आपसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तू मुझे यूं भैया भैया मत बोल, क्योंकि तू ना ये भैया कहने का खो चुका है। नहीं भैया ऐसा मत बोलो, इस दुनिया में एक आप ही तो हो जो मेरा अपने हो। अपना? अपना शब्द ना तेरी जुबान से गाली जैसा लगता है, क्योंकि अगर तू अपना होता ना तो अपनों के साथ यूं नीच हरकत नहीं करता। क्या नीच हरकत? भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने दिनों से एक सांप को दूध पिला रहा था। भैया एक तो मैं आपसे इतने सालों बाद मिला, मुझे लगा आप मुझसे मिलकर खुश हो गए, लेकिन आप तो मुझे बुरा भला बोल रहे हो। अरे क्यों ना बोलूं, मैंने घर से दूर रह के दिन रात मेहनत की, पैसे कमाए और तेरी भाभी को भिजवाए ताकि तेरी आंखों का ऑपरेशन हो सके, और तूने क्या किया? आंखों की रोशनी वापस आते ही तूने अपनी माँ जैसी भाभी पे गंदी निगाह रखनी शुरू कर दी। और तेरे तो आंखों की रोशनी वापस आ गई थी ना, तो फिर अंधा होने का नाटक क्यों कर रहा है? नहीं भैया आप मुझ पे इतना गंदा इल्जाम मत लगाइए, अब आप ही सोचिए, अगर मेरी आंखों की रोशनी आ जाती तो मैं ऐसे रोड पे दर बदर भटक के भीख थोड़ी मांग रहा होता। क्या इसका मतलब तेरी आंखों का ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ? हाँ भैया मैं अभी भी अंधा ही हूँ, क्योंकि भाभी ने कभी मेरा आंखों का ऑपरेशन करवा ही नहीं। भैया आपको याद है जब लास्ट टाइम आपने पैसे भिजवाए थे? अरे कविता तुझे पता है इस बार मैंने 5 लाख के गहने बनवाए हैं, पता है? अरे कुछ नहीं यार, वो मेरे पति ने ना अपने अंधे भाई की आंखों के ऑपरेशन के लिए वो पैसे भिजवाए थे। अब तू ही बता, अगर वो सारे पैसे मैं अपने अंधे देवर पे लगा दूंगी तो अपने शौक कब पूरे करूंगी मैं? भाभी आपने मेरे इलाज के सारे पैसे खर्चे कर दिए। हाँ खर्चे कर दिए। मैं ना ये बात भैया को बोल दूंगा। क्या कहा तूने? अपने भैया को बताएगा? सुन बे अंधे, बहुत जबान चल रही है तेरी, तेरे ऊपर ना झूठा इल्जाम लगा के ना तुझे अंदर करवा दूंगी, तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपने आप इस घर से निकल जा, वरना जिंदगी भर ना तू जेल में सड़ेगा। चल निकल अभी मेरे घर से। भाभी छोड़ दो, भाभी चल, भाभी छोड़ दो, भाभी भाभी छोड़ दो। बस भैया तब से लेके आज तक मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। क्या इसका मतलब काजल ने मुझसे झूठ बोला, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? भाई तू मेरे साथ घर चल, उसे तो अब मैं बताऊंगा। अरे आ गए तुम, लाओ मेरी कोल्ड ड्रिंक। हाँ कोल्ड ड्रिंक तो मैं ले आया, वैसे पता काजल मेरे भाई को भी ना ये वाली कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद थी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया ना कि अपने उस छिछोरे भाई का नाम मेरे सामने मत लिया करो, तुम भूल गए उसने मेरे साथ क्या किया था? अरे तुमने कितनी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, पैसे कमाए ताकि उसकी आंखों का ऑपरेशन करवा सको, पर उसने क्या किया, आंखों की रोशनी वापस आते ही मेरे ऊपर गंदी नजर रखने लगा, मुझे रोजाना वो नहाते वक्त देखता था, भूल गए सब तुम? और उसकी इन हरकतों से जब परेशान होकर मैंने पुलिस कंप्लेंट की ना, तुम्हारा भाई घर से भाग गया। वो घर छोड़ के भाग गया या तुमने उसे घर से भगा दिया? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं कहां कुछ बोल रहा हूँ काजल, बोलेगा तो मेरा भाई जिसकी आंखें तुमने ठीक करवा दी थी। क्या हुआ काजल, तुमने तो इसकी आंखों का ऑपरेशन करवा दिया था ना, और फिर ये तुम्हें नहाते हुए भी देखता था, तो फिर ये दोबारा से अंधा कैसे हो गया? काजल ये मेरा छोटा भाई है, मम्मी पापा के गुजरने के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इसकी देखरेख करूं, और मेरे बाद तुम्हारी, तुम इसकी भाभी थी, इसकी माँ समान, और तुमने क्या किया, पैसों की लालच में इस पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया और इसे घर से निकाल दिया। रोहित मुझे माफ कर दो, पैसे के लालच में मैं इतनी अंधी हो गई कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। माफ कर दूं? काजल तुमने मेरे अंधे भाई पे झूठा इल्जाम लगा कि इसे घर से निकाल दिया। काजल अगर आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना तो क्या पता कल को तुम मेरे भाई की जान ले लो। काजल अब मेरे घर में ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, निकल जा मेरे घर से। रोहित प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसा करोगे ना वैसा ही आपको फल मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद जय भारत।